The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching... Yo guys, how are you? Kaise hain aap sab log? How are you guys? चलो, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल पे. या सो गाइस, क्या खास है आज? आज हम लोग क्या करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक में. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम रियली कूल, आई एम रियली गुड. आज हम लोग डीएनएफ ब्लॉक में लेक्चर नंबर 8 में K2Cr2O7 को खत्म करेंगे. ठीक है, K2Cr2O7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे. यस, उसके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और उसकी केमिकल रिएक्शंस को चेक करेंगे. चलो फटाफट से शुरू करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप अपनी कॉपी पे ध्यान से लिखना, क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. ये चल रहा है ऑनलाइन पाठशाला और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल पे, इंडिया का सबसे बड़ा नीट चैनल, जिसपे आप लोग डॉक्टर बनने के लिए अपने जो सपने उनको पूरा करने को यहां पर पढ़ाई कर रहे हो. सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं गाइज. लेकिन उससे पहले जो लोग यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनको हाय, हाउ आर यू. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी करवा देंगे, चलो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो. सो कौन कौन है? अमित राज, उसके बाद सौरभ, ओके, निकिता, नितिका, रिया, सोनम, तन्वी और रुपेश, प्रिंसी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस. चलो फटाफट से शुरू करते हैं डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 8 K2Cr2O7. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज आप लोग क्या करो, इस वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है ये. हाँ, आपका और मेरा दिल का रिश्ता है और उसे और मजबूत बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने दूर तक आप लोग इस आवाज को लेके जाओगे उतनी आवाज बुलंद होती जाएगी और आप लोगों के लिए काम करते जाएगी. सो हाँ, जाओ हमारे साथ, हमारी टीम आपको पता ही है. गौरव फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और अंकिता और अमृत आपको बायो पढ़ा रहे हैं. सो सब्सक्राइब राइट नाउ. और उसके अलावा क्या करना है, वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आपको ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको ज्वाइन करना है, vdnt.in/medicalv. ये वो ग्रुप है जिसमें आप लोग, खुशी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोग इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. सो प्लीज आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए. चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे. यस, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है. यस, कैसे कलर का होता है ये बाबूजी होते हैं ऑरेंज कलर के. ठीक है, ऑरेंज कलर के होते हैं. इसमें जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है. ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में, छोटी छोटी चीजें हैं, एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. यस, सो फाइनली ये एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है. ये नॉर्मल चीजें जो आप लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ी और आपको पता होनी चाहिए. यस, सबको समझ में आ गया? ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स रियली ऑसम. चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया. इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि K2Cr2O7H+ इन एसिडिक मीडियम में खुद Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है. ये एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है और ये ऑरेंज कलर का होता है. यस, सो ये नॉर्मल चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, K2Cr2O7 के बारे में. चलिए तो अब अपन आगे चलते हैं और इसके प्रिपरेशन मेथड को चेक करते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करोगे. बहुत अच्छा, ठीक है. अब जो केमिकल रिएक्शन है ये पूछे जाते हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पेन लेके अच्छे से लिखना है इसको. सो प्रिपरेशन देखे कैसे करेंगे. सबसे पहले अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको इसका एक और होता है जिसको क्रोमिक ओर कहते हैं, उससे प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले आप लोग चैट सेक्शन में लिखो क्रोमिक ओर का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले आई एम टेलिंग यू कि इसको किससे प्रिपेयर करते हैं, क्रोमिक ओर से प्रिपेयर करते हैं. यहां से आपका ये
पोटेशियम डाइक्रोमेट का फंडामेंटल चीजें शुरू हो रही हैं। सबको समझ में आया, ध्यान से सुनना। यहां पर क्रोमाइट ओर से इसको आप प्रिपेयर करते हो। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, यहां क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला शिप्रा सिंह ने लिख दिया है, FeCr2O4। यस ऑफ कोर्स, क्रोमाइट फोर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। अब ये बहुत ही बढ़िया है, आपको सबसे पहले तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज क्रोमाइट ओर, सो क्रोमाइट ओर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O4, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन माइनस के 2 पर है, पर एटम नीचे लिखूंगा तो टोटल ऊपर लिखूंगा, -8 हो गया। हर एक ऑक्सीजन माइनस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, 4 ऑक्सीजन तो माइनस का 8 हो गया। हर एक Fe प्लस के 2, एक ही Fe प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो यहां पर भी प्लस का 2 ही हुआ क्योंकि एक ही Fe है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो इन दोनों क्रोमियम को कितना बैलेंस करना है, प्लस का 6, तब जाके न्यूट्रल होगा। तो हर एक क्रोमियम पर कितना है, प्लस का 3। तब आप देख लो, नीचे वाले जो लिखे वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ऊपर वाला लिखा है जो उसका वो टोटल चार्ज है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। मैं बहुत बार कहता हूं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है सिंपल। आपको अगर मान लो कोई भी फॉर्मूला याद करना है तो आप ना उसको लिखो, कॉपी में लिखने के बाद क्या करो, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। जब जब आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, आधा तो दिमाग वैसे ही काम करने लगता है। जब आप वर्बली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो याद रहता है कि हाँ, +2 +3 +8, ठीक है, +2 +6 +8 का एक कंपाउंड, -8 का एक कंपाउंड बनाना है, FeCr2O4। ओके, सो FeCr2O4 ये वो कंपाउंड है जिसको क्रोमाइट ओर बोलते हैं, और इस क्रोमाइट ओर से आप K2Cr2O7 कैसे बनाते हो उसको अपन चेक करेंगे। लेकिन आज जैकेट नहीं है, कह रहा है जैकेट नहीं है इसलिए क्योंकि मैं आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, ठीक है। भगवान से दुआ करो कि अभी जैकेट पहननी नहीं पड़े। चलो, सो FeCr2O4 से आप किस तरह से, ये क्रोमाइट ओर से किस तरह से आप यहां से K2Cr2O7 बनाते हो वो अपने को चेक करना है। K2Cr2O7 देखो कितनी अच्छी बात है, मेरी उंगली भी लिखती है, मैं अपनी उंगली से भी लिख सकता हूं। देखो कितना जादू है मेरी उंगलियों में, देखो जरा चेक करो। अच्छा, किसका नाम लिखूं बताओ, कौन है जो सबसे पहले बोले सर मेरा नाम लिखो, मैं बोर्ड पे लिखूंगा। कौन देखना चाहता है अपना नाम मेरे हाथों से, कौन देखना चाहता है सबसे पहले मी। अच्छा, ये किसने लिखा है, खुशी ने लिखा था क्या, चलो खुशी का नाम लिख देते हैं। सो खुशी सबकी जिंदगी में लाए खुशी, इट्स खुशी लिख दिया मैंने गलती से, एच लगा देता हूँ, चलो खुशी। है ना, मेरे हाथों में रंग है। चलो, सो फाइनली मतलब ये हुआ, अभी एक दो का नाम नीरज कह रहा है मेरा नाम लिख दो, तो नीरज का लिख देते, चलो लास्ट। सो नीरज, पता नहीं स्पेलिंग सही है गलत है, बट ये नीरज, देखो मेरी उंगलियों में जादू है, मेरे उंगलियों में लाल कलर निकलता है। है ना, कहीं तुम कहो सर लाल कलर की चड्डी अपने हाथों से बना के क्यों नहीं भेज देते हो। नहीं भेजूंगा। चलो, सो अब ये यहां से प्रिपेयर कैसे होता है जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं, तो ध्यान से उसको चेक करना, ठीक है। सो देखो, यहां से क्रोमाइट ओर से हम लोग यहां पर अब क्या बनाने वाले हैं, K2Cr2O7, तो उसके पीछे का रिएक्शन क्या है जरा आप चेक कर लो, ठीक है। सो जरा आप चेक करो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्रोमाइट ओर चाहिए। यस, ध्यान से समझना, क्रोमाइट ओर चाहिए। इस क्रोमाइट ओर को आपको बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है। अब बेसिक मीडियम के केस में आपने क्या लिया, या आप NaOH ले सकते हो या Na2CO3 ले सकते हो, यानी कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। सो यहां पर FeCr2O4 को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, सबसे पहला काम आपको यह करना है। बेसिक मीडियम में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले लो। अगर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया तो CO2 गैस एज अ प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगी। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो पानी बाहर निकलेगा, तो कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां से होगा क्या, यहां से करोगे क्या, जब आप FeCr2O4 का रिएक्शन आप NaOH और Na2CO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से कराते हो तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, जरा आप उस पर गौर से देख लो। यहां से आपको सोडियम डाइक्रोमेट, लुक एट इट, Na2CrO4 मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां से FeCr2O4 से NaCrO4 मिल रहा है जो कि येलो कलर का होता है। यहीं पे मैं रुकूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि येलो कलर का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, इसको डाइक्रोमेट नहीं सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। तो आप सबसे पहले ये लिखो कि FeCr2O4 जो कि क्रोमाइट ओर है उसको जैसे ही आप ऑक्सीजन की बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है जो कि येलो कलर का होता है। साथ में Fe2O3 और CO2 बाय प्रोडक्ट मिलेगा अगर आपने Na2CO3 से रिएक्शन करवाया तो मतलब जरा समझ लो यहां से, अब यहां से आपकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। सो यहां से आप इस रिएक्शन को पहले याद करो, इतनी सी रिएक्शन को सबसे पहले ओर लो, कौन सा वाला, यस क्रोमाइट ओर आपको लेना है FeCr2O4। उसका रिएक्शन हमने किससे करवाया, यस Na2CO3 ले लो, साथ में ऑक्सीजन ले लो, ले लिया। इस केस में आपको सोडियम क्रोमेट मिलेगा, बाइक्रोमेट डाइक्रोमेट नहीं मिलेगा, क्रोमेट मिलेगा, यानी एक ही क्रोमियम होगा। सो इन दैट केस आपको उसको कैसे लिखना है, Na2CrO4 प्लस आपको Fe का ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3 और प्लस आपको CO2 गैस मिलेगी। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है Na2CrO4, ये होता है हमारे पास येलो कलर का, कैसा होता है येलो कलर का होता है। तो पहली चीज तो ये है जिस पे आपको करनी है फोकस। तो ये किस किस को समझ में आ गया कि यहां तक तो सर हमको समझ में आ गया, ये येलो कलर का आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फाइनली आपको K2Cr2O7 बना के देगा, लेकिन यहां तक किस किस को समझ में आ गया, येलो कलर का एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। अब जरा आप चेक कर लो, एनी क्रोमेट विद एसिड गिव्स यू डाइक्रोमेट, कोई भी क्रोमेट एसिड के साथ डाइक्रोमेट देता है, ठीक है। आपने क्रोमेट तो बना ही लिया, ये क्रोमेट है, ये क्रोमेट है, इसको क्रोमेट बोलते हैं। अब अगर आपने इसका एसिड से रिएक्शन करवा दिया तो वो आपको डाइक्रोमेट देगा। अब वो कैसे देगा उसको अपन आगे देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप ये बताओ कि ये चीज आपको समझ में आ गई क्या, ये सबको समझ में आ गई, ये जो केमिकल रिएक्शन थी याद हो गया क्या, या दोबारा बताऊं किस किस को ये केमिकल रिएक्शन पूरी याद हो गई, किस किस को ये केमिकल रिएक्शन पूरी याद हो गई, जरा एक बार मुझे आप बताओ किस किस को लगता है कि अपनी होगी ये, बल्ले बल्ले अपने को याद हो गई है केमिकल रिएक्शन। अब नीचे एक पॉइंट लिखा है, क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो यू नीड एन एसिडिक मीडियम, एसिड से रिएक्शन करवा दो उसकी, नीचे लिखा भी है जरा आप चेक करो। तो अब अपन एसिड से रिएक्शन करवाएंगे उसकी, ठीक है। सो अब जरा चेक करो, यहां तक हमारा फंडामेंटली खत्म, दोबारा बोलता हूं, क्रोमाइट और ले लो, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ, क्रोमाइट ओर का बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट से कैसे डाइक्रोमेट बनाते हैं जरा उसको अपन चेक कर लेते हैं, जरा आप चेक करना सा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप क्रोमेट लो उसका एसिड से रिएक्शन कराओ तो डाइक्रोमेट बनता है, जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखो, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले आपको क्रोमेट लेना है Na2CrO4, दिस इज क्रोमेट, ओके सोडियम क्रोमेट बोलते हैं, इज दिस क्लियर, ये येलो कलर का होता है, इज दिस क्लियर, इसको सोडियम क्रोमेट बोलते हैं, इज दिस क्लियर, सबको दिखाई दे रहा है। अब इसका रिएक्शन आपने वो किससे करवाना है, H2SO4 जो कि एसिड है, यहां से सोडियम क्रोमेट इस एसिड की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये येलो से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया जो कि हाईली सॉल्युबल होता है। दोबारा बोलता हूं, कोई भी क्रोमेट एसिड की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CrO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब हमको तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, यस, सो अब क्या करोगे, तो अगेन बहुत मैं दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी, पर पहले यहां पर ध्यान दो, ठीक है। फाइनली यहां पर ये जो ऑरेंज कलर का आपको Na2Cr2O7 दिख रहा है, अगर आपने उसका KCl से रिएक्शन करवाया तो आपको K2Cr2O7 मिल जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा, अच्छा यहां प्रशांत पाठक पूछता है वाई, मेरे बच्चे प्रशांत पाठक, इसके पीछे न्यूटन का थ्योरी नहीं है कोई, तुम्हें क्या लगता है, रिपीट करूंगा बट कोई पूछ रहे कि यहां पर ये कैसे हो रहा है, अरे भाई प्रैक्टिकल है, अपने पापा को बोलना आज सोडियम क्रोमेट ला के देंगे, उसका H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो डाइक्रोमेट मिल जाएगा, इसके पीछे लोग पूछ रहे हैं वाई, कोई न्यूटन आके सेव गिरा के नहीं बताएगा तुम्हें कैसे हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिसके डेटा आपको दिए जा रहे हैं, नाउ यू आर आस्किंग वाई, कमाल कर दी, मतलब क्वेश्चन भी वहां पूछो ना जहां पर उसका औचित्य हो,
जो अब एक बात बताओ, एक एसिड और बेस के रिएक्शन करने से सोल्ट और वाटर मिलता है तो मिलता है सर। नाउ इफ यू से व्हाई, उसका पीछे लॉजिक सुन, तुमने कभी पूछा कि सर व्हाई? सिर्फ ध्यान हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज पे होना चाहिए कि हमें केमिकल रिएक्शंस याद करनी है। समबडी सेइंग व्हाई, ओ माय गॉड क्या होगा फिर तुम्हारा? और हर इक्वेशन के आगे तुम वाई लगाओगे तो बेटा तुम्हारा सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, और एक्सपेरिमेंट से ऊपर कोई प्रूफ ही नहीं है जिसको फिर तुम कहोगे वाई तो हो गया तुम्हारा याद। अच्छा मैं फिर से इसको जितनी केमिकल रिएक्शन थी दोबारा लिख देता हूं, ठीक है? दोबारा से देख लो, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है? तो आप पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड क्रोमेट ओर, ठीक है? क्रोमाइट ओर चाहिए, तो आपको यहां पर क्रोमाइट ओर चाहिए। अब क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा झंडू बाम निकल गया। तो FeCr2 एंड देन O4, इसको हम लोग क्रोमाइट ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमाइट ओर। इज दिस क्लियर? अब ये जो क्रोमाइट ओर आपको दिख रही है, इस क्रोमाइट ओर को अपने को क्या करना है, इस क्रोमाइट ओर को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है। सो इन दैट केस आपने लिया मान लो Na2CO3 और प्लस आपने ऑक्सीजन ले ली। इन दैट केस अगर आपने ये रिएक्शन करवाई बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, सो यहां पर जरा आप चेक करना, सोडियम है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी है। सो इन दैट केस यहां सोडियम क्रोमेट मिलेगा। अब सोडियम क्रोमेट जिसमें एक ही क्रोमियम होगा Na2CrO4, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्रोमेट। इतनी सी बात थी, इसके पीछे भी लोग कह रहे सर रिपीट करो, कर रहा हूं फिर से, लेकिन बहुत आसान है बच्चों। अगर वाकई में तुम्हें दिमाग है ना तो एक ही बार में केमिकल रिएक्शन पूरी याद हो जानी चाहिए, इतने स्मार्ट होने चाहिए तुम लोग। कई लोग तो पूछते हैं वाई, कई कहते हैं सर रिपीट, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही खराब है। अब यहां सोडियम क्रोमेट को अगर आपने देखो, अब ये बहुत आसान है, H2SO4 से रिएक्शन करवाया होता तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता। इतनी सी चीज याद करने में लोगों को टटिया निकल जाती है, सो दैट्स नॉट गुड। Na2Cr2O7, ओके ये बन गया। अब आपको यहां से सिर्फ KCl से इसका रिएक्शन करवाना है, यहां से मिल जाएगा आपको K2Cr2O7। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो फंडामेंटली मैंने आपको बताई। बाई प्रोडक्ट और भी होंगे जिस पे आपको फोकस करना नहीं। इसके साथ यहां पर आपको Fe2O3 भी मिलेगा, यस, और साथ में CO2 गैस भी मिलेगी, इस पे हमें फोकस करना ही नहीं है। रिएक्शन कैसे जा रही है जरा आप चेक करो, आपको ये याद होना चाहिए, उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए, और ये आपका प्रोडक्ट इस तरह से बन रहा है, जरा आप चेक कर लो। अब भी किसी को रिपीट करवाना है क्या? अब भी किसी को रिपीट करवाना है क्या कि सर इसको रिपीट कर दो? बोलो फटाफट से, बोलो बोलो, याद हो गया? किस किस को याद हो गया एक बार चैट सेक्शन में लिखो। ये सौरभ कह रहा है एक्सप्लेन, तो कितनी बार एक्सप्लेन करवाओगे मेरे बच्चे? और क्या यहां पर कर क्या रहा हूं मैं, बताओ किस किस को याद हो गया? सबसे पहला क्या है हमारे पास, ये क्रोमाइट ओर है, उसको Na2CO3 से रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा सोडियम क्रोमेट बन गया। एसिड से रिएक्शन कराओगे तो डाइक्रोमेट बन गया, KCl से रिएक्शन कराओगे तो फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। इतनी सी चीज है, सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? याद हो गया? अब दो बार लिखवा दिया एटलीस्ट, अब तो याद हो जाना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं हो तो भैया मंत्रा से बहुत बढ़िया छूट निकली हुई है, लाल रंग की चड्डी खरीद लो और उसको लेगिंग पे पहनो और उड़ो, यही तरीका है, ठीक है? याद हो गया सबको, बहुत बढ़िया बात है। अब दो बात बताने के बाद भी याद नहीं हुआ तो उसका कोई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका तो क्या इलाज है। चलो अब हम चलते हैं आगे। सो इतनी सी बात थी और हमें तुमसे प्यार था, अब चलो आगे। सो फाइनली जरा आप चेक करना, ये क्या है येलो कलर का, फिर से देख लो, इसको एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट बन जाएगा, फाइनली KCl से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम होता है, ओके? क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाएगा आपको, इतना सा ही काम है। चलो तो यहां तक सबको समझ में आ गया, अब हम चलते आगे। अगली वाली चीज काफी इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को मैं नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है जरा आप चेक करो, कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, आपसे पूछा कि क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और आपको इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। कितनी तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको यहां पर क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो पहले क्रोमेट आयन होता क्या है, वो होता है CrO4-2,
इसको क्रोमेट बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हो तुम, याद है Na2CrO4, इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। तो क्रोमेट आयन क्या हो गया, यस CrO4-2। इसकी आपको क्या करनी है, स्ट्रक्चर बनानी है। माइनस टू लगा तो अब दिमाग लगाना ध्यान से, माइनस टू लगा मतलब दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है और दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो कैसी होगी यहां पर स्ट्रक्चर, ये क्रोमियम है, दो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिए क्योंकि क्रोमियम टोटल छह बॉन्ड बना सकता है, तो चार तो बना लिए और एक ऑक्सीजन पे माइनस और दूसरे ऑक्सीजन पे माइनस, ये इसकी स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव साइन भी है और यहां रेजोनेंस भी हो सकता है, मतलब अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो खींच भी सकता है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये भी खींच सकता है। इसका मतलब जो नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, नेगेटिव साइन अपनी जगह बदलेगा, यानी कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। सवाल यहां ये पूछा जाता है कि यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, लेकिन उस बॉन्ड ऑर्डर को बताने के लिए यू नीड टू थिंग्स। पहला तो यहां पर टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमने KMnO4 के केस में भी किया था, लेकिन KMnO4 में सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन था, यहां दो नेगेटिव साइन है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहां पर लिखा भी है, डॉक्टर निर्भय शेखर ने लिख दिया 1.5, दैट्स रियली कूल। तो हमको यहां पहले तो ये जानना है कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वो अपन चेक करेंगे। अब यहां पर दो नेगेटिव के साइन है, जरा आप ये चेक कर लेना, ठीक है। सो चलो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको सबसे पहले तो मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूं ओवरऑल, ठीक है, तो आप जरा चेक करो। चलो सो सबसे पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, जरा आप चेक करो क्या किया हमने, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगी, और नेगेटिव का साइन है माइनस का टू जो आपको दिख रहा है। यहां पर आप सिर्फ इतना गौर करो कि मैंने क्या किया, किसी एक ऑक्सीजन, एक फंडामेंटल ऑक्सीजन को चुन लिया और वहां पर मैं देखूंगा कि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने बन रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है इसको, सबको समझ में आ रहा है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, जरा आप चेक करना। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, इसको टेट्राहेड्रल की फॉर्म में बनाई है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रोमियम के साथ ओवरऑल चार ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो चार ऑक्सीजन जो हमारे यहां जुड़े हुए हैं उनको टेट्राहेड्रली फॉर्म में लगाओगे तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में लगे हुए हैं। अब यहां पर ये बहुत आसान है, पहले तो बताओ कि ये किस किस को समझ में आ गया कि पहली स्ट्रक्चर जो बनी है वो कुछ इस तरह से है, किस किस को समझ में आ गया। मैं रेजोनेंस बनाने जा रहा हूं, रेजोनेंस की कितने यहां पर स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको अपने को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जरा आप चेक करो, समबड़ी सेइंग कि यहां चार ही स्ट्रक्चर बनेंगे, तो चार नहीं बनेंगे, क्रोमियम में छह बॉन्ड बनाए, चार स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, दैट्स रियली कूल, आंसर 1.5 ही आया, लेकिन ये गलत है, ठीक है, आप एक्चुअल में चेक करोगे ध्यान से, ठीक है। सो आप जरा चेक करो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर बनाया और मैंने क्या किया, किसी एक क्रोमियम टू ऑक्सीजन को चुन लिया और वहां पर चेक किया कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो मैंने इसको सिर्फ इसको चुना। यहां पर बताओ क्रोमियम टू ऑक्सीजन नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1। अब अपन चलते हैं दूसरी स्ट्रक्चर पर, दूसरी स्ट्रक्चर रेजोनेंस की क्या हो सकती है, यह भी तो हो सकता है कि यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव, ऊपर नीचे डबल बॉन्ड हो, इन दैट केस फिर से मैंने इसी को चुना, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, जरा चेक करो, इसी डायरेक्शन में क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड कितने, 1। ओके, अब अगला वाला, चलो ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यह भी हो सकता है कि नेगेटिव नेगेटिव साइन यहां हो और डबल बॉन्ड यहां बन रहे हो, इन दैट केस क्रोमियम टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फिर से यहां दिखाई दे रहा है, N=1। तो यहां पर मैंने सिर्फ एक क्रोमियम टू ऑक्सीजन को चुना और उसमें चेक कर रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है। अब आ जाओ आगे, और क्या बन सकता है आपके पास, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, आप खुद से बना के देखना है, तीन बना दिए, चौथा वाला ये रहा, ये भी हो सकता है कि यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और ऊपर नीचे नेगेटिव हो, इन दैट केस जिस डायरेक्शन में आपने चुना था उसी डायरेक्शन में क्रोमियम टॉक्सिन चेक करो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2। अब 2 हैं, ठीक है, पहले कितने थे, 1, 1, 1, 1, 1, अब कितने हैं, 2। एक और करो, ये भी तो हो सकता है कि ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी हो सकता है कि नेगेटिव नेगेटिव साइन यहां और यहां पर डबल बॉन्ड हो, इन दैट केस उसी पोजिशन पर चेक कर रहा हूं क्रोमियम टॉक्सिन बॉन्ड कितने हैं, 2। खुद बना के देखना, टोटल 6 यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये छठी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये देख लो,
फाइनली ये भी हो सकता है कि यहां पर नेगेटिव साइन हो, डबल बॉन्ड यहां हो, और यहां पर क्रोमियम टू ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो आप सबसे पहले ना सारी की सारी जितनी भी बनी हुई है सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक भी एक जैसी नहीं है। टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 6 टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। और जो मैंने फंडामेंटली क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड लिया था उसमें तीन बार तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है और तीन बार डबल बॉन्ड है। दिखाई दे रहा है क्या? यस, नैन्सी सिंह ने बिल्कुल सही लिखा है, नैन्सी सिंह ने आंसर भी लिख दिया। अब देखो यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आप सब लोग लिखो कि क्रोमेट आयन में टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्रोमेट आयन में टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पहले तो आप ये लिख लो, क्रोमेट आयन में टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, पहले आप ये लिख लो। लिख लिया 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पर जिस फंडामेंटल क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड को आपने हर बार अनसाइकिल किया है उसमें आप चेक करो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तीन हो गए, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ बॉन्ड टोटल उस पोजीशन पे, ठीक है, छह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बने हैं। तो 9/6 कितना होता है, 1.5। तो ऐसे करके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। ये बहुत ही कम बच्चों को पता होता है कि इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है। सो बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि क्रोमेट आयन में टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। हम एक फंडामेंटल क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड को एनसाइकिल कर रहे हैं हर एक स्ट्रक्चर में। टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 9 बॉन्ड बन रहे हैं। 9/6 इज एक्चुअली व्हाट? यस, टोटल बॉन्ड यहां चेक करो 9 बन रहे हैं एंड 9/6 इज एक्चुअली द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो फाइनली बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि हर बार हमने क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई है। ये जितनी भी स्ट्रक्चर है सबके सब कैसी है, टेट्राहेड्रल है, और क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है तो इसलिए यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा। यस, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 109 डिग्री 8 मिनट का, वही हमारा जो परमानेंट, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है आपको पता ही है, 28 सितंबर। तो यहां पर 109 डिग्री 8 मिनट का बॉन्ड एंगल बनेगा। और अगर कोई पूछे कि भैया बॉन्ड ऑर्डर टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल यही होता है ना, इसके आसपास, और बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा हर क्रोमियम टू ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, यस दैट इज 9। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 6, तो 3/2। फाइनली आंसर कितना आया, 1.5। तो इस तरह से निकालना होता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो किस किस को ये आ गया, याद हो गया कि पहले तो क्रोमेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 है, जो हमने एनसाइकिल किया उसमें टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड बन रहे हैं 9, और जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमने केमेनोफोर में भी इस्तेमाल किया था, इस तरह से हमको क्या निकालना होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, चैट सेक्शन में लिखो तो बहुत ही बढ़िया बात है, याद जल्दी हो जाएगा। 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा क्रोमेट में CrO4 के अंदर, विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो किस किस को यहां पर ये सारी चीजें याद हो गई, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, और वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं हमसे क्या पूछा और हमने क्या जवाब दिया। अब अपनी कॉपी लो और आप बैठ के इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। CrO4-2 इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन, खुद से बनाओ। पूछने वाले कि सर रिपीट कर दो, तो मैं तुमसे कहता हूं इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम खुद से बनाओ। तुम कितने फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं बना पाओगे, ट्राई करके देखना। तो 6 बनाओगे, बना के देखो ना तुम। ये क्यों कहते हो सर वंस रिपीट, मैंने क्या किया है इसके अंदर, टेट्राहेड्रली इस क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन को जोड़ा, टेट्राहेड्रली जोड़ो ना खुद ही। ये रहा पहला वाला, तो ये रहा दूसरा वाला, तो ये रहा तीसरा वाला, और ये रहा चौथा वाला, ये लो। तो मैंने अगर ये इस तरह से इनको ट्रीट किया तो आप खुद ही सोचो, मैं इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं, पोजीशन चेंज कर करके टोटल 6 तरह की स्ट्रक्चर बना पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे, इससे कम भी नहीं बनेगी। वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं बोल रहा हूं, इतनी सी बात मैंने की। तो फाइनली यहां पर फिर भी बच्चे कह रहे रिपीट करो, तो 6 तरह की स्ट्रक्चर से ज्यादा नहीं बना, तुम खुद ट्राई करके देखो, कॉपी लो पेन लो बादशाह बन जाओ, तुम खुद ट्राई करके देखो।
ये मैंने एक बनाई, क्या मैं इसके अलावा और नहीं बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। दिमाग तो लगाओ, ये वाला घुमाते जाओ इनको, एक ये वाला और ये वाला। अब इसमें बच्चे पूछते रहते हैं करना क्या है, कॉपी पेन लेके स्ट्रक्चर बनानी है, बनाओ ना तुम, खुद ही बनाओ। तो यहां पर ये क्या उससे अलग नहीं है? अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों नेगेटिव साइन नीचे थे, यहां पर एक ऊपर और एक इस तरफ है, अलग है। मैं और भी बना सकता हूं, बनाते जाओ, ऐसे 6 बनेंगे टोटल। क्या इतना सा काम करने के लिए तुम्हें मेरे को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा? क्या इतनी सी चीज के लिए, हाँ क्या इतनी सी चीज के लिए तुम्हें लाल चड्डी ऑर्डर करनी पड़ेगी मंत्रा से? क्या कह रहा है? उन दोनों में कैसे आया डबल बॉन्ड? जय हो महाराज की जय। जो ये सवाल पूछ रहा हो, उस दोनों में डबल बॉन्ड कैसे आया? जय हो प्रभु मेरे। बेटा पहले 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आओ। वो कह रहा है कि यहां पर डबल बॉन्ड कैसे आया जबकि यहां सिंगल बॉन्ड कैसे आया? अरे ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, तुम 12वीं में आ कैसे गए? मुझे तो कभी कभार ये भी शक होता है, जो ये सवाल पूछते हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे आया? जय हो। आज ही जाना मंदिर, गुरु घंटाल के यहाँ पे कोई मंदिर होगा, उसमें 1 घंटा बजा के आना बेटा। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो 2 बॉन्ड बनाता है। अब तुम कहोगे यहां सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है ऑलरेडी, उसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इतने महान लोग कैसे साइंस में आए? ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चे, फिर कहोगे सर तो क्या करो, मैं हंसी आती कभी कभार। तो क्या 12वीं क्लास में आके ये सवाल पूछ रहे हो, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाया? क्या करोगे बेटा तुम? क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बॉन्ड तो बनाएगा, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा उसका। सर कैसे 9 बॉन्ड? अरे बाप रे प्रियांशु जी, ये टोटल, ये इस तरह से टोटल 9 बॉन्ड बने। ये देख लो कहां गया था, आगे चलते जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जाना है। ये लो 9 बॉन्ड। अब तरीके क्या होते हैं बॉन्ड गिनने के? क्रोमियम टू ऑक्सीजन, ऐसे नहीं गिनना आपको कि यहां पर ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड, ना ऐसा नहीं है। इन दैट केस आपको क्या करना है, यहां पर क्योंकि 2-2 नेगेटिव साइन है, इस वे में आपको कैसे क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड गिनोगे वो गिनो। आपको कोई भी एक पोजीशन फिक्स करनी है क्रोमियम टू ऑक्सीजन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कोई एक पोजीशन फिक्स करनी है। मैंने ये वाली पोजीशन ले ली, अब आप गिन लो, बताओ इस पोजीशन में क्रोमियम टू, इस पोजीशन में क्रोमियम टू ऑक्सीजन कितना बॉन्ड है? 1। इस पोजीशन में कितना है? 1। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन में कितना है? 1। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन में कितना है? 2। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन में कितना है? 2। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन में कितना है? 2। ये तरीका होता है उसको निकालने का। अब आप गिन लो 2 2 4 2 6 7 8 9। हम ऐसा क्यों करें कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से सारे बॉन्ड गिने? हमको तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से गिनने हैं ना, टोटल बॉन्ड कितने बनाए उस हिसाब से गिनोगे ना। नहीं समझ में आया? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इनका ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सार होगा तुम्हारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हमको तो उस हिसाब से गिनने, तो टोटल 9 बॉन्ड हुए। दिमाग लगाओ कि हो क्या रहा है। ये सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको? CrO4-2 को। अब इसके लिए हमें फोकस करना है। आप सब क्या करते हो, इनको अलग अलग समझते हो, अलग अलग है लेकिन ये सारी की सारी इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उस वे से आप सोचो कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड दे रही है टोटल, तब टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 बॉन्ड दे रही है, तो 9/6 = 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे निकालना होता है, ये तरीका है निकालने का, दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो हमारा बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर दोनों वाला केस हो गया, ये देख लिया हमने, याद रहेगा सब लोगों को कि 1.5 होता है, निकालने का तरीका सबको समझ में आ गया कि 1.5 कैसे आया। गॉट इट, सबको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ K2Cr2O7। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, जल्दी पढ़ा रहे हैं बेटा जवाब। अब देखो कई तो कहते हैं सर मेरा रिपीट कर दो, कई कहते हैं जल्दी करो, तो बेटा शांति रखो, हर बच्चे पे ध्यान देना है, जिसको समझ में नहीं आया उसको भी तो समझाना पड़ेगा। अब उसके बाद अपन चलते हैं आगे, K2Cr2O7 की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो K2Cr2O7 का एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। K2Cr2O7 को हम लोग काम कहां लेते हैं, तो इसका एक बहुत ही फेमस टेस्ट होता है जिसमें हम लोग K2Cr2O7 को काम लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो राइट इट डाउन, ये हम पढ़ेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है। तो पहले आप लिखो व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, लिखो। अब हमारा टॉपिक है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, लिखो।
सब लोग टॉपिक है, कौन कौन लिखा एप्लीकेशन में क्रोमाइल क्लोराइड? सोनम कटियार ने लिखा और किसी ने नहीं लिखा, और सुनील कुमार ने लिखा, बहुत बढ़िया, और नैन्सी सिंह ने, विनय ने लिखा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करने वाले मिस्टर पहलवान ने लिखा, क्या नाम है, वेरी गुड, नेहा तिवारी, और इसके अलावा दीपशिका चौधरी और कीर्ति झा, और बाकी क्या यहां पर डांस करने आए हैं, सब लोग लिखो मेरे प्यारे बच्चों, अमीनूर ने, शिप्रा ने, वेरी गुड, लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो सबसे पहले तो हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में K2Cr2O7 को इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, उसको अपने को देखना है, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास अगला टॉपिक रहेगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने लिखा है। चलो तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को अपन चेक करते हैं, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, यू वांट टू सी दैट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? तो चलो देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लोराइड आयन इज डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट। पहला सवाल यह है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के थ्रू आप किस तरह के क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करते हो। अब आप कहोगे सर कि क्लोराइड आयन तो एक ही तरह का होता है, दैट इज सीएल माइनस, यही सुने हो बबुआ के नहीं, बताओ। सवाल है व्हाट टाइप ऑफ क्लोराइड आयन इज डिटेक्टेड फ्रॉम दिस टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से आप किस तरह के क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करते हो, तो आप कहोगे सर क्लोराइड आयन तो एक ही होता है सीएल माइनस, हमने आज तक तो यही सुना है, सही बात है कि नहीं? लेकिन नहीं, सीएल माइनस दो तरह के होते हैं। किस तरह के क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करता है? आयोनिक क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लोराइड आयन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आयोनिक क्लोराइड आयन, ये पहली बार सुने हो तुम लोग, आयोनिक क्लोराइड आयन, दूसरा होता है कोवेलेंट क्लोराइड आयन, कोवेलेंट क्लोराइड आयन, एक होता है आयनिक, दूसरा होता है कोवेलेंट। दोनों में फर्क क्या है? NaCl में ये है Na प्लस और ये Cl माइनस, आयनिक क्लोराइड है। आप देखो यहां पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर होके मिला है उसको, दिस इज कॉल्ड आयनिक क्लोराइड। एक होता है कोवेलेंट क्लोराइड आयन, कोवेलेंट क्लोराइड किसके अंदर होता है, ये लो, ये कोवेलेंट क्लोराइड आयन है, बेंजीन के ऊपर जो क्लोराइड लगा हुआ है वो कोवेलेंट क्लोराइड है। और मैं आपको बता देता हूं AgCl में जो क्लोराइड होता है वो भी क्लोराइड जो है बेसिकली ये भी कोवेलेंट करेक्टर रखता है, तो कोवेलेंट वाले को डिटेक्ट नहीं करेगा ये, नहीं, ये किसको करेगा, आयनिक वाले को डिटेक्ट करेगा। पहली चीज किस किस को समझ में आ गई कि हाँ क्लोराइड भी दो तरह के होते हैं, ऐसे खुजली करके लिखो ऐसे करके, अरे बाबू रे ईका हुई गवा, क्लोराइड भी दो तरह के थे, पहला आयनिक दूसरा कोवेलेंट, हाँ बहुत ही बढ़िया। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, कोवेलेंट में ट्रांसफर नहीं है, क्लोराइड आयन नहीं लेकिन वहां कोवेलेंट बॉन्ड है, सो जहां पर बॉन्ड है उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, अकेला क्लोराइड आयन को डिटेक्ट कर देगा। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अभी ये नई चीज पता लगी तुम लोगों को, अब अपन चलते आगे, दिखा देता हूं कैसे। सो व्हाट टाइप ऑफ क्लोराइड आयन दिस टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विल डिटेक्ट आयनिक क्लोराइड, ओके, यूज टू डिटेक्ट आयनिक क्लोराइड, लिख लो काम आएगा, आयनिक क्लोराइड आयन्स को डिटेक्ट करने के काम आता है जहां पर एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आयनिक बॉन्ड होता है, क्लियर हो गया, नॉट शोन बाय कोवेलेंट क्लोराइड, कोवेलेंट क्लोराइड से नहीं दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे AgCl, AgCl में ये बहुत बार आता है, आप किसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं कर सकते, AgCl में नहीं कर सकते, HgCl2 में नहीं कर सकते, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या फिर बेंजीन क्लोरोबेंजीन में नहीं कर सकते। तो ये चार एग्जांपल दिए जहां पर आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं कर सकते। सबको समझ में आया, दोबारा समझाऊं, सबको समझ में आया दोबारा समझाऊं, नहीं कर सकते किस में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ये याद है आजकल तो हंसी आए, तो कौन कौन से में नहीं कर सकते, AgCl में नहीं कर सकते, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट HgCl2 में नहीं कर सकते, ठीक है, आइसोप्रोपाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं कर सकते, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लोरोबेंजीन में नहीं कर सकते, तो इनमें नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कोवेलेंट क्लोराइड होती है, ठीक है, तो किस में कर सकते हैं, NaCl में कर सकते हैं, आता है समझ में,
ऐसे ही कंपाउंड, अब ये उज्जवल की तो वाई खत्म नहीं होती है। अरे भाई ये कहां से आया डेटा, ये अरे ये ना वाई लिखना बड़ा आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब एक्सपेरिमेंट ही सारे आंसर आपको दे तो थ्योरी क्या बाल बांका करे। इससे बड़ा एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आती, यहां आपने नोट लिया, उसको आग लगा दी, वो जल गया, अब तुम अपने बापूजी से पूछो वाई या थप्पड़ खाओगे, ये नोट क्यों जला? लॉजिक, एक्सपेरिमेंट करके देखा तुम्हारे सामने, तुमने आग लगाई, जल गया। अब कई लोगों को तो एक्सपेरिमेंट की बात ही समझ में नहीं आती, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि कोवेलेंट क्लोराइड में नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होता, अपन आगे पढ़ते हैं, ध्यान से जरा चेक कर लो, आयनिक क्लोराइड में होगा, उसका कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा। वाई अच्छी बात है लेकिन जहां पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उसमें वाई क्या करेगा, तो आप उसको भी तो समझो थोड़ा, ठीक है? चलो तो कहीं तो छोड़ते नहीं, चलो मैं समझाता हूं ऐसा क्यों। ये क्या है, किसी ने पादा नहीं है, लाल रंग का पादा नहीं है ये, डोंट वरी, दिस इज अ रेडिश ब्राउन कलर का धुआं निकला है ना, इट इज नॉट आधा पादा, किसने पादा, नो आई एम नॉट पादा। सो चलो मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है जरा आप चेक करो, उससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? सो चलो पहला स्टेप, इसमें टोटल 3 स्टेप होते हैं तो बहुत ध्यान से चेक करना। सो इफ यू वांट टू सी दैट, बहुत ही केयरफुली देखना आप लोग हो क्या रहा है, ओके? सो पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, इस क्रोमाइल क्लोराइड में टोटल 3 स्टेप होते हैं। नाउ विल सी स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले, तो जरा आप चेक करो। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या लेना होता है, NaCl, जो कि एक आयनिक क्लोराइड रखता है, यस और नो? मैं दोबारा समझा, ध्यान से समझना, यहां पर सबसे पहले आप NaCl लोगे जो कि आयोनिक क्लोराइड रखता है, सही है? यह आयनिक क्लोराइड रखता है। इसका रिएक्शन तुम K2Cr2O7 से कराओगे क्योंकि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है, सही है? साथ में आप एक एसिड लोगे H2SO4। दोबारा बोलता हूं ध्यान से सुनना, कर क्या रहे हम लोग, पहले तो फोकस करो, कर क्या रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मतलब इसमें क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन के काम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हो तुम लोग। अब इसके लिए हमें पहले आयनिक कंपाउंड लेना है NaCl, साथ में K2Cr2O7 लेना है क्योंकि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए चाहिए, फिर आपको H2SO4 लेना है। जैसे आप इनकी रिएक्शन आपस में कराओगे आपको यहां से क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा। नाउ दिस इज CrO2Cl2, नाउ दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। और ये कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का वेपर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का वेपर, इसीलिए मैंने यहां पर दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जैसे ही आप NaCl, अगर यहां पर एक और बात, कोई पूछ रहा कि ऐसा क्यों होता है, आपने अगर NaCl की जगह कोई कोवेलेंट क्लोराइड वाला कंपाउंड रख दिया तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि वहां से क्रोमाइल क्लोराइड नहीं बन पाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का वेपर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये आसानी से Cl- दे देते हैं, इसलिए क्रोमियम उसको लेके क्रोमाइल क्लोराइड बना लेता है, कोवेलेंट में आसान नहीं है तोड़ना। सो इन दैट केस आपको NaCl में आसानी से Cl- आयनिक फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा सीड कह रहा है बाउंस हो गया, तो नाचो बैठ के, क्या है इसके अंदर बताओ मुझे, आधे लोग तो सुनते ही नहीं है, ध्यान से सुनो हो क्या रहा है क्या इसके अंदर, दोबारा समझ लो। ये लो, सबसे पहले आप कर क्या रहे हो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर रहे हो, क्रोमाइल लिखो बैठ के, देख देख के ऐसे दर्शन मारते रहते हो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं, यस। ये टेस्ट करने के लिए मैंने आपको कहा कि ये टेस्ट कौन देगा, आयनिक क्लोराइड वाला कंपाउंड देगा, तो ले लो आयनिक क्लोराइड वाला कंपाउंड, मैंने ले लिया NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड वाला क्लोराइड है। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, क्योंकि ये तो टेस्ट है तो वो पैदा होना चाहिए, इसके लिए आपको K2Cr2O7 लेना है, क्योंकि इसी का तो अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, सुनते ही नहीं हो, आधी बात तो सुनते हो फिर ऊपर से ही जाएगा। अब NaCl K2Cr2O7 लिया, साथ में H2SO4 लेना है एज एन एसिड, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ये ज्यादातर एसिडिक मीडियम में अपनी रिएक्शन देता है, तो इतनी सी चीज को याद करने के लिए कौन सा शक्तिमान बनना है मेरे भाई। अब इससे आपका क्रोमाइल क्लोराइड पैदा हो जाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2, ये याद करना पड़ेगा अब आपको,
सो दिस इज CrO2Cl2, जिसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, यही है क्रोमाइल क्लोराइड, जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसको आप पार्शियल ऑक्सीडेशन में ऑर्गेनिक में इस्तेमाल भी करते हो। इतनी सी चीज के लिए सर बोलते बाउंस बैक हो गया, अरे क्या टट्टी जैसा दिमाग है तुम्हारा। सबको समझ में आया क्या, या दोबारा समझाऊं? समझ में आया क्या? चैट से मरे मरे चल रहे हैं, भाग गए हो गए सब। थोड़ा सा हार्ड आ जाए टट्टी निकल जाती है सबकी। किस किस को समझ में आ गया? यही है वो रेडिश ब्राउन कलर का। इतनी सी चीज के लिए तुम्हें तुम्हारा दिमाग ऐसा थनथनाने लगता है कि ये क्या हो गया। सर गुस्सा नहीं आया सर, मैं सही बता रहा हूँ। इतनी चीज के लिए सर बाउंस हो गया, सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया। काय को तुम बारहवीं में आए हो? काय को बारहवीं में आए हो? फिर इतनी चीज 100 बार बता दिया। कर क्या रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन परफॉर्म करेगा? K2Cr2O7। किस पे परफॉर्म करेगा? ऐसा क्लोराइड जो आयनिक हो। अरे NaCl के K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, इसी को रेडिश ब्राउन कलर का। इससे ज्यादा कौन समझाएगा तुम्हें? पल्लवी कह रही सर काम डाउन है, मैं ठंडा ही हूं मैं। लेकिन उनको, कई लोगों को ऐसे ऐसे अंदर दिमाग में घुसना पड़ता है। कई लोग कहते हैं ना इजी पीजी, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड मैन, दिस इज नॉट हार्ड। हार्ड चीज तो तुमने देखी गए केमिस्ट्री में, फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। अब इतनी चीजों के लिए भी तुम बोलते सर ये तो बाउंस बैक हो गया, तो नाचो बैठ के बाउंस बैक हो गया तो। इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 3 बार तो मैंने लाइन बोल दी तब भी याद नहीं होता, तुम क्या क्या करने बैठे हो यहां पर। चलो तो अब देखो यहां पर, अब देखो आगे। सो फाइनली इसी का कलर है ये रेड कलर, रेडिश कलर जो अपने पास आ रहा है ना बच्चों, ये इसी का कलर है। तो दोबारा देखो, फिर से देखो एक बार ये रिएक्शन को। पहला स्टेप याद करो, लिख लिख के याद होगा, ऐसे कोई न्यूटन तो है नहीं जो इसके पीछे थ्योरी लिख के गया है। तो सबसे पहले NaCl K2Cr2O7 से रिएक्शन करके यहां पर एसिड, एसिड की प्रेजेंस में आपको क्रोमाइल क्लोराइड देगा, साथ में बाई प्रोडक्ट और भी मिलेंगे। लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? CrO2Cl2 पे करना है, यही है क्रोमाइल क्लोराइड, जिसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। साथ में और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्लोरीन ट्रेसेस में बाहर निकलेगी, जैसे पीछे से धुआं निकालते हो तुम खाना खाने के बाद, बस ट्रेसेस में बाहर निकलेगी। तो ये है, बस इतना ही है। तो इतनी सी चीज याद करने के लिए थोड़ी तुमको दिमाग लगाना है यहां पर। ये है क्रोमाइल क्लोराइड, इसी पे फोकस करो, सारा खेल तो इसी का ही है। तो जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, तुम्हें रेडिश ब्राउन कलर का पेपर मिलेगा। फाइनली तुम्हें समझ में आ गया कि यहां पर एक आयनिक क्लोराइड प्रेजेंट है। पर इसमें लोग यहां पर रुकते नहीं है, इतनी सी चीज को लेकर आगे भी बढ़ते हैं। अब मैं इसको एक बार और लिख के दिखा देता हूं, जिससे तुम्हें और याद हो जाए। पर गुरु घंटाल की तरह मत किया करो कि पहली बार में कुछ सुना नहीं, नहीं नहीं अपने को समझ में नहीं आया, नाचने लग जाते हैं कई बच्चे, तो ऐसे होते हैं तुरंत। मैंने देखा है ऐसे ना, दिमाग में सर ने कोई नई चीज पढ़ाई, ऐसे वो टक करके बाहर आ गई और नाचने लग जाएंगे, नहीं 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 तो समझ में नहीं, नहीं नहीं तो समझ में नहीं, अब सुनेंगे नहीं। अरे देख तो लो, रुक तो जाओ, आगे शांति तो रखो, आगे आएगी समझ में, नहीं 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 समझ में नहीं, नहीं तो काली माता आती है उनके अंदर, और तुरंत चैट सेक्शन में लिख देंगे हाँ सर समझ में नहीं है, सर बाउंस बैक होगी, सर समझ नहीं है, बाउंस। अरे रुक तो जा, थामा मेरे भाई, सुन तो ले। ऐसे नमूने होते ना, सही बता रहा हूँ मैं। अब फिर से रिपीट कह रहे, रिपीट तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लो, सुनो ध्यान से क्या लिखा जा रहा है। क्या कर रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन देगा? एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्लोराइड आयन हो आयनिक फॉर्म में, NaCl। साथ में किसको लोगे? K2Cr2O7 को लोगे, क्योंकि इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। और क्या लोगे? H2SO4, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ज्यादातर केमिकल रिएक्शन K2Cr2O7 देता है। अब इतनी सी चीज के लिए भैया फिर भी समझ में नहीं आया, तो तुम डमरू बजाओ बैठ के। अब उसके बाद क्या करना है आपको? यहां से क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। इसको याद कर लो, ये ऑर्गेनिक में काम आएगा, क्योंकि इससे आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कर सकते हो, काम आएगा बहुत ज्यादा। और ये कैसा होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये रहा वेपर होती है, रेडिश कलर की वेपर, रेडिश वेपर होती है। और क्या बनेगा? तो पीछे हमारे पास सोडियम भी और पोटेशियम भी, दोनों के सोडियम का भी हाइड्रोजन सल्फेट बना दो, पोटेशियम का भी हाइड्रोजन सल्फेट बना दो, साथ में आपके पास क्लोरीन गैस निकलेगी यहां पर ट्रेसेस में। ट्रेसेस का मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्लोरीन गैस बाहर निकलती रहती है। जब टेस्ट होता है तो सूंघने को आती है क्लोरीन गैस। इतनी सी चीज थी,
ये ट्रेसेस में बाहर निकलेंगी। अब पता नहीं इसको याद करने के लिए तुम उम्रे लगा दोगे, उम्रे समझते हो, उम्रे सारी उम्र मत लगा देना इसको याद करने के लिए, दो मिनट का काम नहीं है। अब याद हो गया क्या, या वापस से समझाऊं, किस किस को लगता है मेरे को याद हो गया, आ गया? अच्छा ये अर्पिता घोष को अभी भी एक डाउट है, पूछो आज आज डाउट पूछो, किस किस को याद हो गया ये, किस किस को याद हो गया, याद हो गया? अब इतनी सी बात थी। अरे एक और बात समझाता हूँ, कोई नई चीज आई ना तो घबराया मत करो, कईयों के तो ऐसा होता है ये आया हूं टक ना, अब तो सुननी नहीं है तो समझ में नहीं आई, और नाचना चालू कर देते हैं, नाचो मत, रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा अपने आप को समय दो, याद होगा, डोंट वरी, याद हो गया, अब चलते आगे। अभी भी जिसको याद नहीं हो ना, वो सच्ची में कह रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, बिग बाजार में भी छूट निकली हुई है लाल चड्डी के ऊपर, बता रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और एक वो कल तो मैं गया था बिग बाजार, एक बंदर ने लाल चड्डी पहन रखी थी, बहुत बढ़िया थी, खरीद लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी भी याद नहीं हुआ तुम। चलो अब फर्स्ट स्टेप हो गया, तो यहां पर है ना पहले स्टेप पे खत्म नहीं होती, यहां पर जरा चेक करो, पहले स्टेप पर खत्म नहीं होती केमिकल रिएक्शन, ठीक है? यहां से आपको अंदाजा लग गया कि हाँ NaCl यहां पर एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके पास आयनिक क्लोराइड है। क्यों पता लगा? क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर का वेपर निकलेगा, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देख के, वेपर निकल रही है, खून रंग की वेपर निकल रही है। तो अब अपन चलते हैं दूसरे स्टेप पर, ठीक है? दूसरे स्टेप में चलो, दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर टू, उसी क्रोमाइल क्लोराइड को यूज किया। आप देखो किसको यूज कर रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, तो यहां पर आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, किसका, सोडियम क्रोमेट का। ये वही है जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, याद करो, सोडियम क्रोमेट का येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, किससे, NaOH से रिएक्शन करा के। किस किस को याद हो गया ये, क्रोमाइल क्लोराइड का NaOH से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्रोमेट मिलेगा, येलो कलर का सॉल्यूशन, थोड़ी देर पहले पड़े थे यार तुम। अब इसमें भी तुम्हें दोबारा पूछना है तो सच्ची बता रहा हूं, डमरू बजाओ बैठ के, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब ये दूसरा इंडिकेशन है जिससे तुम्हें पता लगता है कि हाँ वाकई में यहां पर आयनिक क्लोराइड प्रेजेंट है। अरे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यार, तुम सब महान, ये मोहित कुमार, बैलेंस करके यहां क्या क्या मिलेगा, पहले रिएक्शन तो याद कर लो, रिएक्शन याद, घर पे बैठ के करना आराम से इसको बैलेंस, सबको समझ में आ गया। अब चलो आगे, क्रोमाइल क्लोराइड को जैसे आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो थोड़ी देर पहले जो कंपाउंड बनाया था सोडियम क्रोमेट येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो यहां पर स्टेप नंबर टू खत्म हो गया, लेकिन मजे की बात देखो, ये अकेला, जरा ध्यान से चेक करना, ये अकेला ऐसा नहीं है जो कि येलो कलर देगा, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे कोई और हाइड्रोक्साइड भी लेते तो वो येलो ही देता, लेकिन एक हाइड्रोक्साइड आपको येलो कलर नहीं देता, वो है सिल्वर। तो आप यहां पर लिखो ऑल क्रोमेट आर येलो, जितने भी क्रोमेट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट रेड कलर का होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, Ag2CrO4 ये रेड कलर का होता है सिल्वर। अब कोई पूछेगा ये रेड कलर का क्यों होता है, वाय, तो नाचो बैठ के, समझ में आ गया, रेड कलर का होता है क्योंकि आंखों ने देखा, जब ये पैदा हुआ आंखों ने देखा ये रेडो कलर का है, तो बता दिया तुम्हें रेड कलर का होता है, कोई इस पे सवाल उठाएंगे रेड कलर का क्यों होता है। तो आप इसको लिखो बैठ के, जितने भी क्रोमेट होते हैं सब येलो होते हैं एक को छोड़ के। अब ये एक ऐसा जो कि रेड कलर का होता है जिसका नाम क्या है, सिल्वर क्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, जब तक ना लिखोगे बबुआ तब तक लाल चड्डी मांगते फिरोगे बबुआ। तो आप लिखो इसको चैट सेक्शन में, अकेला ये एक ऐसा क्रोमेट है विच इज अ रेड कलर, बाकी सारे येलो कलर के होते हैं। क्रोमेट क्या होता है, CrO4, ओके, CrO4-2 आयन, क्रोमेट आयन कहलाता है, ये याद होना चाहिए। क्रोमेट आयन कहते हैं किसको, क्रोमेट आयन का मतलब होता है CrO4-2, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं। अब क्रोमेट आयन किसी भी मेटल के साथ चला जाए वो येलो होगा, सिर्फ सिल्वर को छोड़ के, सिल्वर वाला रेड कलर का होता है। सबको समझ में आ गया, ये चीज आप ध्यान रखो। तो सेकंड स्टेप होगा कि हमको यहां पर क्या मिल गया, येलो सॉल्यूशन मिल गया, किसका, सोडियम क्रोमेट का। अब सोडियम क्रोमेट से आगे स्टेप नंबर थ्री में क्या कर रहे हैं, जरा आप चेक करो, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सोडियम क्रोमेट को अगर हमने शुगर ऑफ लेड से, जरा चेक करो, CH3CW2PB, इसको शुगर ऑफ लेड भी कहते हैं, अगर इससे रिएक्शन करवा दी तो यहां से आपको क्या मिलेगा,
ये देखो येलो कलर का पीपीटी निकलेगा। एक्चुअल में आप कहो सर ये याद कैसे होगा, तो कुछ किया ही नहीं है हमने यार, अब चेक करो क्या किया। सबसे पहले तो आप देखो ये CH3COO पे क्या होता है, माइनस, तो इसका मतलब यहां पर ये दो लगाए तो इस पीपी पे क्या है, प्लस का टू। यहां पर सोडियम पे एक पे कितना है, प्लस का वन, और यहां पर दो सोडियम लगा के रखे इसका मतलब यहां पर कितने, प्लस का टू। आपने कुछ किया नहीं है, आपने क्रोमेट आयन में सोडियम की जगह क्या लगा दिया, लेड लगा दिया। इतनी सी चीज है, कई लोगों की तो यहां से ही बाउंस होने लगती है, टटियां निकल जाती है इतने में, कुछ किया नहीं है। सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन हमने शुगर ऑफ लेड से करवा दिया, एसिटेट आयन है दो लगे हुए हैं लेड के साथ, यहां से सोडियम हटेगा उसकी जगह लेड लग जाएगा, जिसका येलो पीपीटी मिलेगा, मतलब PbCrO4 इसका येलो पीपीटी मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं है ये, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा, इतनी सी बात है। अब मैं सारी तीनों रिएक्शन एक साथ दोबारा लिखता हूं, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं कहीं गाना चल रहा है क्या, चलो मैं दोबारा लिखता हूं इसी पूरी रिएक्शन को, ठीक है, तीनों के तीनों स्टेप एक बार दोबारा लिखता हूं जिससे तुम्हें ज्यादा याद होगा। सबको समझ में आ गया, तो एक बार आप सारे के सारे स्टेप्स दोबारा देख लो। स्टेप नंबर वन में क्या किया, ध्यान से चेक करना, स्टेप नंबर वन ये तो करा दिया, एक ऐसा आयनिक क्लोराइड लिया NaCl जिसको K2Cr2O7 से रिएक्शन कराए H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां पर आपको क्या मिला, क्रोमाइल क्लोराइड, ओके, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का वेपर देता है। इसी क्रोमाइल क्लोराइड को हमने NaOH से रिएक्शन करवाया जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन देगा सोडियम क्रोमेट का, यहां से सोडियम क्रोमेट मिला, येलो कलर का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूबल है। फाइनली ये अकेला येलो नहीं होता, बहुत सारे मेटल येलो ही देते हैं लेकिन सिल्वर वाला रेड देता है। अब यहां से ये जो येलो सॉल्यूशन है, और अगर इस येलो सॉल्यूशन का थर्ड स्टेप में आपने शुगर ऑफ लेड से रिएक्शन करवा दी तो आपको सोडियम की जगह लेड रख देना है, बस उससे उसका पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। ये तीन स्टेप में सिंपल रिएक्शन होती है, और आई थिंक अब आपको याद हो गई होगी कि आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में करते क्या हो। थ्री स्टेप डिटेक्शन प्रोसेस है ये, और इस थ्री स्टेप डिटेक्शन प्रोसेस ईच स्टेप कैन ऑब्जर्व फॉर इट्स कलर, डिस्टिंक्ट कलर एंड प्रोडक्ट। ये सिंपल सा स्टेप वाइज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। किस किस को याद हो गया, एक बार यस सर लिखो कि हाँ सर हमें याद हो गया। नेहा तिवारी कह रही मुझे याद हो गया, शाहाना खान कह रही याद हो गया, मिस्टर पहलवान ने कहा याद हो गया, ठीक है, और किसने कहा, चमका, और किस किस को याद हो गया, याद हो गया, बहुत आसान था, सच्ची बता रहा हूं। सब लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को पूरा एक बार कॉपी के अंदर लिखोगे, आ रहा है समझ में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को एक बार पूरा कॉपी के अंदर लिखोगे तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो जिसको याद करना है। सबसे पहले देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट लिखना कॉपी के ऊपर, लिखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कैसे होता है। तो ये देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को करने का तरीका, पहले आप लोगे NaCl, फिर लोगे K2Cr2O7, फिर लोगे H2SO4, इससे आपको CrO2Cl2 मिलेगा जो कि रेडिश वेपर देगा, क्या देगा, रेडिश वेपर देगा। अब ये जो रेडिश वेपर मिली उसको NaOH से रिएक्शन कराओ, आपको यहां पर Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट मिलेगा जो कि येलो सॉल्यूशन होगा। और अगर आपने इसका रिएक्शन PbCH3COO होल ट्वाइस से करवा दिया तो यहां पर PbCrO4 मिलेगा जिसका येलो पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। ये सिंपल सा टेस्ट है, अब तो मैंने लिख भी दिया, इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे, समझ में आ गया सबको, बताओ। ये सिंपल से स्टेप है, यहां पर लिख दिए मैंने, ये रहा, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। किस किस को याद हो गया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, अब तो याद हो गया, गोच्चा के ना गोच्चा, अभी भी ना गोच्चा तो चड्डी खरोच्चा सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सो फाइनली गाइज हमने यहां पर खत्म कर दिया हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, सबको समझ में आ गया, याद भी हो गया ना, लिख लिख के याद करो बैठ के, तो चीजों को समझो, याद हो जाएगा, जितनी बार ज्यादा
लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा, ऑर्गेनिक में तो ऐसा ही है। सबको समझ में आ गया? सो अब अगली बार में क्या करेंगे, तीनों स्टेप हमारे खत्म हो गए हैं। मैंने आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बता दिया है, अलग अलग यहां पर कलर और प्रोडक्ट निकलते हैं इसलिए अपने को पता लग जाता है। अब अपने को अगली बार क्या करना है, क्रोमियम के कंपाउंड्स हम लोग अगली बार चेक करेंगे, ठीक है? क्रोमियम के कंपाउंड्स चेक करेंगे और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया? क्रोमियम के कंपाउंड्स चेक करेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अगली बार, क्योंकि अभी एक घंटा पूरा हो गया। सो फाइनली गाइज, यस, सो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, गाइज जुड़िए हमारे साथ। हैशटैग कोचिंग फ्री इंडिया का सपना अगर हमें पूरा करना है तो हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यस, सो फाइनली गाइज, टेलीग्राम का ग्रुप है bdnt.in/medicalview, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मैं आपको एक घंटा लगातार पढ़ा रहा हूँ, दो बार बोलते हूँ, मैं तीन बार रिपीट करता हूँ, मजे लेता हूँ आपके, लेकिन रिपीट करता हूँ, ठीक है? और इसके बदले मैं आपसे सिर्फ छोटी छोटी दो मिनट की तीन चीज़ें मांगता हूँ। पहला, लाइक करो यार, हमारी टीम इतनी मेहनत करती है आपके लिए, लाइक तो बनता है। दूसरा, सब्सक्राइब करो यार, क्यों फ्री के जो काम है उनको नहीं करते हो? हमारा दिल बाग बाग हो जाएगा जिस दिन हमें पता लगे आपने सब्सक्राइब कर लिया। दिल से दुआएं देंगे, आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब के साथ दो बच्चों को कम से कम शेयर करो, जिससे उनका डीप लुक अच्छा हो जाए, ठीक है? सो चलो गाइस, इसी सपने के साथ, ताकि सबको बहुत अच्छा मिले, अगली बार मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय।